अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद। ज़रिए के मुताबिक ट्रेड मिशन पहले ही टोरंटो मुंतकिल कर दिया गया है। मॉन्ट्रियल की पाकिस्तानी कम्युनिटी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कनाडा में महात्मा गांधी के मुजस्मे को ख़राब करने की कोशिश। मुजस्मा 30 सालों से नस्ब है। कनाडा में हिंदुस्तानी सफारतखाने की जानिब से वाकये की मजम्मत। कनाडा में एक बार फिर से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। दूध की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। कनेडियन शहरियों की अक्सरियत का मानना है कि मुल्क कसाद बाजारी का शिकार है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी। भारत सलामती कौंसिल का रुकन बनने में नाकाम। यूएन चार्टर में भारत के पास दो तहाई अक्सरियत नहीं है। भारतीय ग्रुप को अक्वामे मुत्तहदा में अमरीका की हिमायत हासिल नहीं रही। ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी सदर का कहना है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुआहदा ख़त्म करना गलती थी। ट्रंप की गलती ने ईरान को मजीद खतरनाक बना दिया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ट्रेड मिशन पहले ही टोरंटो मुंतकिल कर दिया गया है। अब कौंसलर सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि ट्रेड मिशन की मुंतकली के बाद मॉन्ट्रियल में कौंसल खाने की ज़रूरत नहीं रही। दूसरी जानब मॉन्ट्रियल में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने एहतजाज करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि मॉन्ट्रियल में कायम कौंसल खाना पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा था, इसलिए इसे कायम रखने की ज़रूरत है। कनाडा के रिचमंड हिल में वाक़े महात्मा गांधी का मुजस्मा को मुतासर करने की कोशिश की गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के रिचमंड हिल में वाकया महात्मा गांधी का मुजस्मा तोड़े जाने की इत्तला है। यार्ड रीजनल पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 5 मीटर ऊंचे इस मुजस्मे की यूंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के इलाकों के एक मंदिर में तोड़ा गया। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इस मुआहदे की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े को नफरत अंगेज तासुब की बुनियाद पर देख रहे हैं जबकि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। यार्क रीजनल पुलिस किसी भी किस्म की नफरत पर मबनी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। मंदिर की इंतजामिया के मुताबिक इस वाक़े ने हिंदुस्तानी बिरादरी को हिला कर रख दिया है क्योंकि ये मुजस्मा यहाँ गुज़िश्ता 30 बरसों से मौजूद है
जिसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की गई। कैनेडियन फूड सप्लायर्स एक बार फिर ग्रॉसरी खुर्दा फरोशों को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कीमतों में आने वाले इजाफे से आगाह किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में एक बार फिर पहले से जारी महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। कैनेडियन फूड सप्लायर्स एक बार फिर ग्रोसरी खुर्दा फरोशों को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कीमतों में आने वाले इजाफे से आगाह किया गया है। खतूत में इशारा दिया गया है कि कीमतों में मजीद इजाफे से ग्रोसरी स्टोर्स मुतासर होंगे, जहाँ पहले ही कीमतों में इजाफा हो रहा है। बाद सूरतों में ज्यादा कीमतें कैनेडियन डेयरी कमीशन की जानिब से रमासाल दूध की कीमतों में दूसरे इजाफे की मंजूरी की वजह से हैं, जिसके तहत 1 सितंबर को फार्म गेट दूध की कीमतों में तकरीबन 2 सेंट फी लीटर यानी 2.5% इजाफा देखने में आएगा। इसके बावजूद डेयरी प्रोसेसिंग कंपनियां भी अपने इजाफे पर जोर देती नजर आती हैं। दूसरी जानिब एक नए सर्वे के मुताबिक ज्यादातर कैनेडियंस का ख्याल है कि मुल्क कसाद का शिकार है और मुस्तकबिल करीब में कीमतों में इजाफा जारी रहेगा। लेजर के एक वसी सर्वे में कैनेडियन और अमरीकियों से सफरी मंसूबों, हवाई अड्डों में ताखीर और अफराते जर समेत दीगर उमूर के बारे में पूछा गया। कैनेडा के 80% से ज्यादा जवाब दहिंदगान ने कहा कि उनका ख्याल है कि कीमतों में इजाफा होता रहेगा और 59% का कहना है कि उनके ख्याल में कैनेडा मौशी कसाद का शिकार है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में मौकफ पेश करने के नतीजे में भारत अक्वामे मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकबिल रुकन बनने में नाकाम हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में मौकफ पेश करने के नतीजे में भारत अक्वामे मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने में नाकाम हो गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौकफ इख्तियार किया कि मुस्तकिल रुकन के लिए मुद्दत मुकर्रर की जाए और उसका इंतखाब 2 साल या 5 साल बाद हो। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर में भारत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। भारतीय ग्रुप को अक्वामे मुत्तहदा में अमरीका की हिमायत हासिल नहीं रही। भारत सेक्युलर और कामयाब मईशत के नाम निहाद दावे के बावजूद यूएन के मयार पर पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया कि भारत को मुस्तकिल रुकन बनने के लिए 129 अरकान की हिमायत दरकार है। भारत के पास निस अरकान की हिमायत भी हासिल नहीं है। अलावा अजीम पाकिस्तान के मौकफ को अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन की हिमायत भी हासिल रही। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। इसराइली टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी और हुसूल से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान नहीं। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को बदस्तूर दहशतगर्दों की फहरिस्त में रखा जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी मुहैदा ख़त्म करके गलती की, जिसने ईरान को मजीद खतरनाक बना दिया। ईरान माजी के मुकाबले में अब जौहरी हथियार हासिल करने के बहुत करीब है। अमरीकी सदर ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की सूरत में क्या अमरीका इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.